नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। सोशल मीडिया पर गुजरात के अहमदाबाद का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे जो लोगों को हंसने पर भी मजबूर कर रहा है और काफी हैरान भी कर रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल अहमदाबाद में सोने चांदी के व्यापारियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। शातिर जालसाजों ने 1.30 करोड़ रुपए के नकली नोट देकर 2 किलो से ज्यादा सोना ठग लिया और रफू चक्कर हो गए। करोड़ों का सोना खरीदने के लिए आरोपी ने पूरी फर्जी अंगड़िया फर्म बनाई थी। सोना खरीदने वाले दोनों आदमियों ने 1.30 करोड़ रुपए के नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखे और कहा कि आप सोना दीजिए, उसके बाद बाकी के 30 लाख दूसरे ऑफिस से ला कर देंगे। मेहुल के स्टाफ ने सोना देने के बाद जब नोट देखे तो नकली थे। जी हाँ, नोटों पर महात्मा गांधी की जगह एक्टर अनुपम खेर की फोटो छपी हुई थी, जिसके बाद व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप भी देखिए। वहीं पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक सोनी चांदी के बिजनेसमैन मेहुल ठक्कर के पास 23 सितंबर को परिचित लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर का कॉल आया था। उसने पूछा था कि 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदना है, उसका दाम क्या है। मेहुल पिछले 15 से ज्यादा सालों से लक्ष्मी ज्वेलर्स के साथ धंधा कर रहे हैं, तो उन्होंने भरोसे के साथ 1.60 करोड़ रुपए में सौदा तय कर दिया और दूसरे दिन सोना भिजवाने का वादा कर दिया। दूसरे दिन यानी 24 सितंबर को लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर ने मेहुल को फोन करके कहा कि एक पार्टी को तुरंत सोना चाहिए और आरटीजीएस नहीं चल रहा है, इसलिए वो सोने के एवज में सिक्योरिटी अमाउंट देंगे और उसके बाद दूसरे दिन आरटीजीएस से रुपए भेज देंगे। साथ ही ये भी कहा कि गोल्ड खरीदने वाले सीजी रोड पर एक अंगड़िया फॉर्म में होंगे और वहीं पर लेन देन करेंगे, जिसके बाद व्यापारी मेहुल ने तुरंत अपने स्टाफ से एक आदमी को 2 किलो 100 ग्राम सोना लेकर सीजी रोड पर भेजा, जहां मौके पर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक के पास नकदी गिनने की मशीन भी थी, दूसरा शख्स सरदार जी के गेटअप में था और तीसरा शख्स फॉर्म के बाहर बैठा था। सोना खरीदने वाले दोनों आदमियों ने 1.30 करोड़ रुपए के नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखे और कहा कि आप सोना दीजिए, उसके बाद बाकी के 30 लाख दूसरे ऑफिस से ला कर देंगे। मेहुल के स्टाफ ने सोना देने के बाद जब नोट देखे तो वो नकली थे। हैरानी की बात तो ये है कि नोटों पर महात्मा गांधी के बदले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी हुई थी और RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसॉल्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। वही सूचना लगते ही तुरंत ही व्यापारी मेहुल मौके पर पहुंचे और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो पता चला कि अंगड़िया फॉर्म थी ही नहीं, 2 दिन पहले ही किसी ने इसको शुरू किया था। वही जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी ज्वेलर्स का मैनेजर बनकर संपर्क किया था उसको कॉल किया गया तो फोन बंद मिला। इसके बाद ठगी का एहसास होते ही व्यापारी मेहुल ठक्कर ने नवरंगपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। हैरानी की बात तो यह है कि जो आदमी नोट गिनने की मशीन लेकर खड़ा था वो भी इस मशीन की डिलीवरी करने आया था और उन दोनों ठगों को नहीं जानता था, जिसके आधार पर पुलिस ने आसपास के CCTV की छानबीन शुरू करके आरोपियों को खोजने के लिए एक टीम बनाई है। वहीं नकली नोटों पर अपने फोटो देख एक्टर अनुपम खेर ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर पूरे मामले में ये बात सामने आई कि दो लोगों ने बुलियन बिजनेसमैन को ठगने के लिए फर्जी अंगड़िया फॉर्म बनाई और 2 किलो 100 ग्राम सोना नकली नोट देकर ठग लिया। फिलहाल नए तरीके की ठगी की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।